स्वास्थ्य के लिए पंचायत की तरफ से क्या कदम उठाओगे? स्वास्थ्य के लिए पंचायत का कदम यही रहेगा, अभी आशा वर्करी लगा रखी है, उनको बोलेंगे भी सर जाके घर घर जाके सबकी तबीयत के बारे में पूछे और उनके लिए दवाइयाँ मुहैया कराएं। पानी की समस्या को हम ऐसे सुधारेंगे, पहले तो करेंगे भी कोशिश, पाइप जैसे टूटी फूटी है उन्हें ठीक करवाएंगे, नहीं होंगी तो फिर मोहल्ले के वाइज समरसीबल लगवाएंगे, पानी टाइम पे मिले। गाँव होना चाहिए, अच्छा गाँव होना चाहिए, जैसे आसपास से कोई गुजरे तो ये कहे हाँ भी ये है पंचायत ने अच्छा काम किया। पहले के सरपंच ने क्या कार्य दूरे छोड़े? कार्य तो सभी पूरे करने की कोशिश किए पर रह जाती है, कुछ उन्हें हम पूरा करवाएंगे। क्या क्या कार्य छोड़े? जैसे गलियां कच्ची हैं अभी भी बहुत सारी, पानी की तो समस्या है ही, और भी है कुछ वो भी करवाएंगे कि भी अच्छे उम्मीदवार को जिसको सब तरह का ज्ञान हो भी है ऐसे ऐसे बंदे को करे कि भी वो उनका कुछ। नमस्कार, मैं कल्पना चोपड़ा, आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया ऑफिशियल। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह मिल चुके हैं, कुछ उम्मीदवारों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। आज हमारे साथ जुड़ी है गांव किशनगढ़ से सरपंच पद के लिए भावी उम्मीदवार रमन देवी जी, करेंगे उनके विचार साझा। रमन जी नमस्कार। नमस्कार बेटा, आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला? हमें सिलाई मशीन का चुनाव चिन्ह मिला। आपकी पंचायत में कितने वार्ड हैं? 20 वार्ड हैं। उनमें कुल कितने मतदाता हैं? 4051। उनमें से कितने आप अपने मानते हो? 50% तो मानते हैं। पंचायत के किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे? पंचायती जैसे रोजगार बढ़ाना है, गांव का विकास करने के लिए बड़े हैं सब। गांव का क्या विकास करवाओगे? विकास जैसे बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे कि भी बेरोजगार न घूमे, बहुत ही सरकारी सुविधा जिनका उनमें पता नहीं चलता वो लागू करवाएंगे। आप कैसे लागू करवाओगे? जैसे पंचायत के पास तो आता है ब्यौरा भाई क्या क्या स्कीमें आ रही है गरीब परिवार को परिवारों के लिए, तो उन्हें पता नहीं चलता, हम बताएंगे भी आप ऐसे ऐसे फॉर्म भरो और ऐसे ऐसे लागू होगी ये स्कीमें। शिक्षा सत्र को कैसे सुधारोगे? शिक्षा सत्र को जैसे घर परिवार वाले तो काम धंधे चले जाते और बच्चे घर पे आवारा घूमते, हम उनको मतलब मोटिवेट करेंगे भी बच्चों को पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ाए, प्राइवेट की नहीं फीस भरी जाती तो सरकारी में भी अच्छी पढ़ाई। पानी की समस्या तो यहाँ शुरुआत से रही है, तो उसको कैसे सुधारोगे? पानी की समस्या को हम ऐसे सुधारेंगे, पहले तो करेंगे भी कोशिश, पाइप जैसे टूटी फूटी है उन्हें ठीक करवाएंगे, नहीं होंगी तो फिर मोहल्ले के वाइज समरसीबल लगवाएंगे, पानी टाइम पे मिले सभी को। स्वास्थ्य के लिए पंचायत की तरफ से क्या कदम उठाओगे? स्वास्थ्य के लिए पंचायत का कदम यही रहेगा, अभी आशा वर्करी लगा रखी है, उनको बोलेंगे भी सर जाके घर घर जाके सबकी तबीयत के बारे में पूछे और उनके लिए दवाइयाँ मुहैया कराई। आपसे पहले के सरपंच ने क्या कार्य दूरे छोड़े? कार्य तो सभी पूरे करने की कोशिश किए पर रह जाती है, कुछ उन्हें हम पूरा करवाएंगे। क्या क्या कार्य छोड़े? जैसे गलियां कच्ची हैं अभी भी बहुत सारी, पानी की तो समस्या है ही, और भी है कुछ वो भी करवाएंगे जो बचा हुआ है। युवा ज़्यादातर नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उसको कैसे ठीक करोगे? नशे की तरफ तो बेरोजगारी की के कारण ही जा रहे हैं, बेरोजगार रहेंगे तो नशे की तरफ ही ज़्यादा होंगे, तो हम नशा कम करने के लिए जैसे शराब के ठेके उनको बंद करवाने की कोशिश करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। आपके विचार में गांव कैसा होना चाहिए? आदर्श गांव होना चाहिए, अच्छा गांव होना चाहिए, जैसे आसपास से कोई गुजरे तो ये कहे हाँ भी ये है पंचायत ने अच्छा काम करवा रखा है। क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? जैसे पानी की समस्या में साफ सफाई होनी चाहिए, स्कूलों में बच्चे जाने चाहिए, गलियों में नहीं घूमने चाहिए आवारा, ऐसी तो कोशिश होनी चाहिए। चुनाव को लेकर जनता से क्या आह्वान करोगे? यही करेंगे कि भी अच्छे उम्मीदवार को जिसको सब तरह का ज्ञान हो भी है ऐसे ऐसे बंदे को करे कि भी वो उनका कुछ। को लेकर जनता से क्या आह्वान करोगे? यही आह्वान करेंगे कि कर्मठ और मेहनती इंसान को ही वोट दे अपना, और गांव में ही रहना, हमें ज़्यादा बहसबाजी में कुछ रखा नहीं है, कोई भी जीत सकता, जरूर नहीं हमें जीते, बाकी कोशिश करेंगे हम जीते और गाँव का विकास करें। धन्यवाद।